और राइट दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं रेडमी नोट 12 प्रो मोबाइल के अंदर मैं गेमिंग टेस्ट करके दिखाऊंगा। और दोस्तों इसको पहले अनबॉक्सिंग करता हूँ। दोस्तों ये फ़ोन को मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया। और दोस्तों आप लोग जब भी फ्लिपकार्ट से कुछ भी परचेस करो ना फ़ोन, तो सील को देख के लेना। अगर सील टूटा देखने को मिलता है तो आप लोग परचेस मतलब बाय लेना नहीं फ़ोन को, नहीं तो आपके साथ हो सकते कोई स्कैम हो जाए। तो पहले आप लोगों को इस फ़ोन का रिलेटेड दिखाता हूँ क्या कुछ है। तो इस फ़ोन का नाम है रेडमी नोट 12 प्रो और ये जो वेरियंट है 6 GB रैम के साथ में आता है और 128 GB स्टोरेज है। ये ब्लू फ़ोन है, मतलब काफ़ी अच्छा देखने को लगा था और डिलीवरी भी काफ़ी फास्ट हुआ, इसलिए इसको परचेस किया गया। तो पहले दिखाते हैं इस बॉक्स के अंदर में आप लोगों को क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है। तो बॉक्स ओपन हो गया और दोस्तों इसके अंदर में आप लोगों को रेडमी वाई शाओ में कुछ ऐसा कवर देखने को मिलता है और इसके अंदर में देखने को मिलता है एक सिमेजर टूल। इसके अंदर में देखने को मिलता है रेडमी की तरफ से गाइडलाइन, सॉफ्ट बैक केस जो कि व्हाइट कलर का है। और दोस्तों इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है पिछली तरफ से। तो और दोस्तों इसके अंदर में देखने को मिलता है डिवाइस जो कि लुक वाइज आप लोग देख लो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और ये जो फ़ोन है ना काफ़ी अच्छा ही है। और इसके अंदर में आप लोगों को किस तरह का फिंगरप्रिंट का मतलब वो नहीं लगता, ठीक है। और इसके अंदर में देखने को मिलता है एक टाइप सी USB केबल और देखने को मिलता है 67 वाट का चार्जर। तो ये था बॉक्स कंटेंट। अब दोस्तों गेमिंग को स्टार्ट। और दोस्तों इस फोन के अंदर में गेमिंग करने से पहले जो सेटअप था ना काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ, बहुत स्मूथली सेटिंग मैंने कर चुका हूँ इस फोन के अंदर में। अब दोस्तों इसके अंदर में जो गेमिंग कर रहा था ना तो किसी तरह का दिक्कत नहीं आ रहा था, लेकिन आप लोगों को फिर भी आप लोगों को गेम तो देखना पड़ेगा कैसा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो मैं जो इसका गेमिंग एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आप लोगों को 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में गेमिंग एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों को पता चले इस फोन के अंदर में कितना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। जो बहुत देर तक मैंने बहुत सारा ऐप इसके अंदर में यूज़ किया है, बहुत सारा आप लोग देख ही सकते हो कितना सारा ऐप को इंस्टॉल कर चुका हूँ और रैम मैंने काफ़ी अच्छे इस फोन के अंदर में देखने को मिला आप लोगों को और मुझे भी देखने को मिला। तो मैं इधर से फटाफट से फ्री फायर को गेमिंग करके दिखाता हूँ कैसा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फोन की बैटरी बैकअप। तो मैंने रात को इस फोन का अनबॉक्सिंग किया था, अभी सुबह के बाद 11 करीब ऐसा ही कुछ बज रहा शायद मैंने देखा था। तो अभी आप लोग देख लो इस फोन के अंदर में जो APS है, बैटरी बैकअप 100% चार्ज था, अभी बहुत कम चार्ज ड्रेन हुआ है, 78 करीब इस फोन के अंदर में अभी चार्ज है। तो बैटरी ड्रेन भी काफ़ी कम हो रहा है इस फोन के अंदर में। तो अब दोस्तों गेमिंग की बात करते हैं तो गेमिंग में आप लोगों को देखने को मिला अभी 78% चार्ज है जैसे कि बोला था आप लोगों को। तो अभी इसके अंदर में मैं डिस्प्ले को हाई करूंगा, मैक्स ग्राफिक के साथ में गेम प्ले करूंगा और उसके बाद में दिखाऊंगा कितना परसेंट बैटरी ड्रेन होता है और कितना एक्सपीरियंस देखने को अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंसिटिविटी की, जैसे कि बोला था बहुत देर तक गेम प्ले किया था, अपडेट भी किया था फ्री फायर मैक्स को। और दोस्तों अभी ग्राफिक की बात करें तो मैंने स्टैंडर्ड पर गेम प्ले कर रहा था ताकि आप लोगों को पता चले कितना हीट हो रहा था। और दोस्तों ठंड का मौसम है ना तो फोन उतना भी मतलब हीट नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैं स्टैंडर्ड पे ही खेल रहा था। अब दोस्तों अभी आप लोगों को मैक्स ग्राफिक में करके दिखाता हूँ, थोड़ा मोड़ा हीट हो रहा था लेकिन दोस्तों ये फ़ोन ना रेडमी की तरफ से मुझे ऐसा पहले फ़ोन देखने को मिल रहा है जिसके अंदर में हीट बहुत कम देखने को मिल रहा है। अब पता नहीं कैसा ठंड का मौसम है या फिर कुछ अलग सीन है। तो जैसे भी हो दोस्तों इसके अंदर में तो मैक्स ग्राफिक के साथ में गेमिंग करके दिखाता हूँ। और बात करते हैं सेंसी की, तो जैसे आप लोग देख सकते हो सेंसिटिविटी भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला फ्री फायर मैक्स का अंदर में, सेंसी हमेशा लो थोड़ा देखने को मिलता है। और दोस्तों स्पेशली रेडमी का फ़ोन है तो सेंसी में तो किस तरह का कमी देखने को नहीं मिला। और दोस्तों इसके अंदर में जो पावरफुल प्रोसेसर है ना इस गेमिंग को तो काफ़ी आराम से हैंडल कर सकता है। तो इवन इस फोन के अंदर में आप लोग अगर FPS टेस्ट भी चाहते हो तो कमेंट में बोलना, तो आप लोग देख लो सेंसिटिविटी बिल्कुल भी डिफॉल्ट में है। तो विदाउट DPI के साथ में गेमिंग कर रहा हूँ मैं, बहुत ही स्मूथली गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है और ग्राफिक क्वालिटी आप लोग देख लो कितना अच्छा देखने को लग रहा है। और दोस्तों ये जो मैक्स ग्राफिक है ना इस प्राइस के अंदर में ये जो फ़ोन है काफ़ी अच्छा देखने को मिला। और थोड़ा ग्राफिक क्वालिटी लो करोगे ना तो कुछ भी फ़र्क देखने को नहीं मिला ज़्यादा। तो मैं अल्ट्रा मैक्स ग्राफिक के साथ में गेम प्ले करके दिखाता हूँ फुल ब्राइटनेस के साथ में। और दोस्तों देखो आप लोग कैसा सेंसिटिविटी है, तो काफ़ी अच्छा ही सेंसिटिविटी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ओवरऑल दोस्तों इस फ़ोन के अंदर में जो गेमिंग है ना वही क्या हिट लगा तो आप लोग देख ही सकते हो, काफ़ी स्मूथली के साथ में हेडशॉट भी लग रहा है। और जैसे कि आप लोगों को बोला था ये जो फ़ोन है सेंसिटिविटी काफ़ी हाई है, तो ओवरऑल गेमिंग में तो किस तरह का दिक्कतें नहीं आएगा। कैमरा भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, मैंने चेक किया था, सब कुछ चेक किया। जैसे अगर आप लोग इस फ़ोन का रिलेटेड कुछ भी पूछना है जैसे कि बैटरी बैकअप कैसा है कमेंट में बोल लो, मतलब कमेंट कर लेना तो मैं हर एक चीज़ का रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो इस फोन का बैटरी ड्रेन टेस्ट फ्री फायर के अंदर में तो कमेंट में जरूर से बोलना। और दोस्तों ओवरऑल इसका जो एक्सपीरियंस है आप लोग देख ही सकते हो काफ़ी स्मूथली के साथ में हेडशॉट लग रहा है, तो मतलब बहुत ही अच्छा हेडशॉट गेमिंग के लिए तो काफ़ी अच्छे इस फोन के अंदर में प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला, गेमिंग तो काफ़ी अच्छे से हो जा रहा है। और दोस्तों बहुत लोगों एक रिक्वेस्ट आ रहा था इस फोन का DPI कितना आएगा ये कमेंट में जरूर से पूछ लेना आप लोग,
तो इस फ़ोन का जो डिफ़ॉल्ट DPI है 392 है, और देख लो आप लोग रिफ्रेश रेट काफ़ी स्मूथली है। इस फ़ोन का जो 120Hz रिफ्रेश रेट है ना, काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो आपका जो अगर बजट इस प्राइस को, मतलब इस फ़ोन का लेने की सोच रहे हो, तो आप लोग ले सकते हो। और दोस्तों अगर आप लोगों को इस प्राइस के अंदर में और भी आप लोगों को एक अच्छे गेमिंग फ़ोन देखने को मिलता है रियलमी 10 Pro Plus, उस फ़ोन के साथ में आप लोग जा सकते हो। लेकिन दोस्तों मेरा जो एक्सपीरियंस है ना इस फ़ोन को लेना, और दोस्तों रियलमी का फ़ोन को मैं ऑर्डर कर चुका हूँ, ठीक है, 2-3 दिन बाद ही आ जाएगा अपने पास में, तो कोई दिक्कत बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। उसका भी गेमिंग टेस्ट करके दिखाऊंगा और देखना आप लोग कैसा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो इस फ़ोन का जो प्राइस है अराउंड 22,000 के अंदर में मिल जाएगा आप लोगों को फ्लिपकार्ट में, ठीक है। तो इसका और जो रियलमी 10 Pro Plus है उसका 26,000 25,000 ऐसा कुछ देखने को मिलता है। और दोस्तों जो एक्सपीरियंस है इस फ़ोन के अंदर से ज़्यादा आप लोग उस फ़ोन के अंदर बेटर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास में थोड़ा पैसा और ज़्यादा है तो आप लोग रेडमी 12 Pro 5G Plus को बाई कर सकते हो। इस फ़ोन से और भी ज़्यादा आप लोगों का अगर एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए तो आप लोग उस फ़ोन को बाई कर लेना। ओवरऑल दोस्तों ये फ़ोन भी अगर आपका 22,000 बजट है तो आप लोग इस फ़ोन के साथ में भी जा सकते हो। ओवरऑल आप लोग देख ही सकते हो इस फ़ोन के अंदर में गेमिंग इशू, तो गेमिंग प्रॉब्लम तो किसी तरह का देखने को नहीं मिला। सेंसी लो प्रॉब्लम नहीं है, सेंसी हाई बहुत ही है, गेमिंग ग्राफिक की क्वालिटी कमी नहीं है। तो ओवरऑल इसका जो गेमिंग क्वालिटी आप लोग देख ही सकते हो बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपको लोगों को अगर आप लोग पूछना चाहते हो मेरे से रेडमी का ये फ़ोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए इस बजट के अंदर में, तो ऑब्वियसली वैसे इस फ़ोन के साथ में आप लोग जा सकते हो। और इस अगर आपका थोड़ा बजट हाई है तो जैसे कि बोला, अगर बजट हाई है तो रेडमी 12 Pro 5G Plus को लेना। फ़ोन का नाम इतना बड़ी है ना, तो मतलब लेने में भी बहुत दिक्कत आता है। तो ओवरऑल दोस्तों ये जो फ़ोन है आपका बजट के हिसाब से आप लोग फ़ोन को चूज़ करना। अगर आपका बजट हाई है तो 12 Pro Plus को लेना, अगर बजट कम है तो इस फ़ोन को लेना। तो कन्फ्यूज़न अगर आपको फिर भी होता है भाई बजट मतलब इस प्राइस के अंदर में और भी क्या कुछ अच्छा फोन है तो कमेंट जरूर से पूछ लेना। और अगर किसी को पता है भाई 25,000 के अंदर में ऑफर वॉफर चल रहा है, Nothing Phone 1 भी ऑफर में देखने को मिल रहा है, उसको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, कोई परचेस किया हो, किसी तरह का दिक्कत आ रहा है, ये भी कमेंट जरूर से बोलना। आप लोगों को पता ही है 25,000 के अंदर में मतलब एक बेस्ट गेमिंग फ़ोन लेना या फिर जो होता है ना जो लेना चाहते हैं उनके लिए तो भाई काफ़ी अच्छा हेल्पफुल हो जाएगा। अगर कोई सपोर्ट करेगा, मतलब कोई बोल देगा भाई फ़ोन अच्छा चल रहा है, Nothing Phone 1 मतलब जो होता है ना ये ऑफर में आ रहा है एक दम से, मतलब बहुत डिस्काउंट में आ गया Nothing Phone 1 भी जैसे कि आप लोगों को पता है। तो इतना डिस्काउंट में फ़ोन लेना सही होगा या फिर नहीं होगा ये बहुत डाउट होता है, तो इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर Nothing Phone 1 किसी हाल ही में बाई कर रहा है इस ऑफर में तो प्लीज़ कमेंट में बोलना कैसा फ़ोन का एक्सपीरियंस देखने को मिला। और ओवरऑल दोस्तों आप लोग बैटरी देख सकते हो 21 आवर से एक्सपीरियंस हो रहा है, तो कितना कम बैटरी ड्रेन हुआ है। और बैटरी थोड़ा चार्ज दिया था मैंने चेकआउट करने के लिए कितना ज़्यादा फास्ट होता है। और जो बैटरी का टेम्परेचर अभी भी मैं तो बहुत देर से गेम प्ले कर रहा हूँ फिर भी नॉर्मल पे ही दिखा रहा है। तो ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथली देखने को मिला। आज के लिए इतने वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़।